नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के हाथरस दौरे से बढ़ी मोदी सरकार की परेशानी की, मोदी सरकार के जाने की आई तारीख की, देखेंगे तेलंगाना में कांग्रेस को मिली मजबूती को, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हुए खेल को, देखेंगे पुदुचेरी में एनडीए सरकार पर बढ़ते संकट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में गिरते पुल पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 11 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड, बिहार के कई जिलों में ढह चुके हैं पुल। नीट मामले पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, कहा पूरी परीक्षा रद्द कर, री एग्जाम का कोई इरादा नहीं, परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। केजरीवाल की जमानत को लेकर 150 वकीलों ने लिखी सीजेआई को चिट्ठी, बोले केजरीवाल की बेल पर रोक लगाने वाले जज और ईडी के वकील सगे भाई हैं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने परीक्षा संबंधी गड़बड़ी रोकने के लिए पेश किया विधेयक, पेपर लीक में 5 साल तक की जेल, 10 लाख का जुर्माना। शेयर बाजार में उथल पुथल, 53 अंकों की गिरावट के साथ 79,996 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 21 अंकों की तेजी के साथ 24,323 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाथरस की घटना के बाद पीएम मोदी या फिर सरकार के टॉप मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, पीड़ितों को अभी तक पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात भी की। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त जनता की आवाज बन गए हैं। वो आम लोगों के साथ अलग अलग मामले में पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 2 जुलाई को हुए हाथरस हादसे को लेकर राहुल ने पहले ही दिन चिंता जताई थी और साफ संकेत दे दिए थे वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस हादसे में 122 लोगों की जान चली गई। ऐसे में शुक्रवार सुबह राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे के पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी जमकर घेरा। राहुल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सिस्टम में खामियां देखने को मिली हैं, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई हैं, इसका पता लगाना चाहिए। इससे पहले राहुल ने अलीगढ़ के अस्पताल का भी दौरा किया, जहां हाथरस पीड़ितों का इलाज चल रहा है। हाथरस के बाद राहुल गांधी अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां लोको पायलट की लॉबी में गए और वहां उपस्थित लोगों से मुलाकात की और लोको पायलट से उनके ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी ली, साथ ही काम के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। राहुल के इस मुलाकात को हाल ही में हुए रेल हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस घटना ने लोको पायलट पर काम के बढ़ते बोझ को दुनिया के सामने ला दिया था। ऐसे में इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी शनिवार को गुजरात जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल के अहमदाबाद आने की जानकारी दी है। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी चिंता में नजर आ रही है। हाल ही में राहुल ने दावा किया था कि गुजरात से बीजेपी साफ होने वाली है, साथ ही इंडिया के जीतने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं, पार्टी दबाव में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की सक्रियता ने बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ आरजेडी चीफ लालू यादव के बयान ने तो पटना से दिल्ली तक को हिला दिया है। लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है, तो क्या कहा आरजेडी चीफ ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही दावे किए जा रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि एनडीए गठबंधन में शामिल कई विधायक और पार्टियां उनके संपर्क में हैं, सरकार कभी भी गिर जाएगी, और अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सरकार गिरने की तारीख तक बता दी है। लालू यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, ये सरकार अगस्त में ही गिर जाएगी, इसके बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लालू के बयान से साफ है कि अगस्त के बाद देश में बदलाव होना है, या तो चुनाव होंगे और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर बिना चुनाव के ही एनडीए के सांसद पाला बदलकर इंडिया के साथ आ जाएंगे और इंडिया की सरकार बनेगी। यानी अब इंडिया की सरकार बनने में ज्यादा दिन नहीं है। और इसके साथ ही लालू ने कहा कि बिहार में आरजेडी और इंडिया गठबंधन पहले से बहुत मजबूत हुआ है, आरजेडी के वोटों में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एनडीए का हिस्सा कम हुआ है, हमने पिछली बार 1 के मुकाबले 9 लोकसभा सीटें ज्यादा जीती। लालू ने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में रही, सत्ता से बाहर रही,
समय अच्छा और बुरा रहा, हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, हमने अपना संघर्ष जारी रखा, कभी सफल हुए तो कभी असफल, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अडिग रहे। मोदी सरकार मुश्किल में है, लालू ने तो अगस्त में ही नए चुनाव कराए जाने का संकेत दे दिया है। बीजेपी कमजोर हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है। तेलंगाना में दो दिन में ही कांग्रेस ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस को कई झटके दिए हैं। पहले राज्यसभा सांसद को अपने पाले में किया और अब एक साथ कई विधायक अपने पाले में कर लिए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही तेलंगाना में बीआरएस कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। तेलंगाना की सत्ता हाथ से जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को हर दिन झटके लग रहे हैं। बीआरएस को शुक्रवार को एक और झटका लगा है। पार्टी के 6 एमएलसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस खबर ने तेलंगाना की सियासत में खलबली मचा दी है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी के बिखरने की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में बीआरएस के दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक के बाद एक पार्टी के नेता बीआरएस छोड़ रहे हैं। बीते दिन ही बीआरएस सांसद के केशव राव ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा। बाद में उन्होंने संसद सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। केशव राव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका स्वागत किया है। इससे पहले 28 जून को चिवल्ला से भारत राष्ट्र समिति के विधायक काले यादिया कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे बीआरएस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं बीआरएस के 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब विधान परिषद में कांग्रेस की ताकत और बढ़ जाएगी। एक तरफ जहां राज्य में बीआरएस का वजूद ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है तो बीजेपी और वो दल जो इंडिया का हिस्सा नहीं है वो लगातार कमजोर हो रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को झटके लग रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। बीजेपी में बड़ी टूट की तैयारी है। रविवार को कई नेता बीजेपी छोड़कर ठाकरे की शिवसेना में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे जहां जनता के बीच उनके मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब वो बीजेपी को जोरदार झटका देने की भी तैयारी में है। बीजेपी के कई नेता उद्धव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रविवार को बीजेपी के 8 नगर सेवक यानी पार्षद पाला बदलकर शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व डिप्टी मेयर राजू शिंदे समेत 8 पार्षदों के उद्धव गुट में शामिल होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। राजू शिंदे ने खुद इसकी पुष्टि की है कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। शिंदे ने कहा कि वो 5-6 पार्षदों के साथ बीजेपी छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी में रहकर उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी। इसके साथ ही शिंदे ने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही है। साफ है बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी से नाराज है और विपक्ष इसी बात का फायदा उठाने की तैयारी में है। बीजेपी में जहां आंतरिक टूट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। चर्चाएं तो यहां तक चल रही हैं कि बीजेपी के 8 नहीं उससे भी ज्यादा नेता उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने भी बीजेपी छोड़कर एनसीपी शरद पवार में घर वापसी की थी। और अब अगर बीजेपी के 8 पार्षदों को उद्धव ठाकरे अपने गुट में शामिल कर लेते हैं, तो चुनाव के पहले ये सचमुच ही बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगना तय हो गया है। 3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और अगर हालात में बड़ा बदलाव नहीं होता है तो राज्य में एनडीए की सरकार जाना तय माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले पुदुचेरी की एनडीए सरकार गिरती दिख रही है, क्योंकि यहां बगावत हो गई है। पुडुचेरी में सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। राज्य के बीजेपी विधायक अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में राज्य के गृह मंत्री ए नमा सिवायम को प्रत्याशी बनाया गया था, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने 1,00,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। इस हार के लिए बीजेपी नेता सीधे तौर पर सीएम एम रंगास्वामी को जिम्मेदार मान रहे हैं और इसलिए इन 7 बीजेपी विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य के नेतृत्व में बदलाव किए जाने की मांग की है। बता दें कि इन विधायकों ने उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की है। विधायकों ने एलजी से शिकायत की है कि राज्य सरकार क्षेत्र की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। गौरतलब है कि पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 6 विधायक हैं। इसके अलावा 3 नामित सदस्य हैं जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से बीजेपी विधायक की संख्या बढ़कर 9 हो गई। राज्य विधानसभा में नामित सदस्यों को मिलाकर विधायकों की संख्या 33 है, जिसमें 6 निर्दलीय विधायक हैं और विपक्षी कांग्रेस डीएमके गठबंधन के 8 विधायक हैं। वहीं बीजेपी का एक धड़ा लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष एस सिल्वा गणपति को पद से हटाने की मांग कर रहा है।
इससे साफ है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और उसके साथी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की परेशानी चारों तरफ से बढ़ती दिखाई दे रही है और अब तो पीएम मोदी के खिलाफ भी शिकायत पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है और लोकसभा स्पीकर को सबूतों के साथ पत्र लिखकर पीएम के भाषण पर एक्शन लेने की मांग की है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर उन्होंने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण के बड़े हिस्से में काट छाट कर दी, उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। लेकिन अब पीएम मोदी के भाषण पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण की पोल खोल दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण में कई मुद्दों पर झूठ बोला गया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को प्रति माह 8500 रुपए देने का झूठा वादा किया था, जबकि सच्चाई ये है कि ये सरकार गठन के बाद पूरा किए जाने वाला वादा था। पीएम ने कहा था कि जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोट शेयर कम हुआ, जबकि हकीकत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना सहित कई राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। पीएम ने यूपीए शासन में सेना की स्थिति पर भी झूठ बोला। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के समय में सेना को कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, जबकि हकीकत तो ये है कि उस वक्त पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध थे। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस शासन में सेना को लड़ाई के लिए विमान नहीं दिए गए, जबकि सेना के पास जैगुआर, मिग 29, Su-30, Mirage 2000 थे। कांग्रेस सांसद टैगोर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को सच्चाई बता दी है, अब वो नियम 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पीएम मोदी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों में जो भ्रामक जानकारी दी गई है उसे रिकॉर्ड से हटाएं और उन्हें चेतावनी भी दें कि भविष्य में इस तरह से सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के हाथ से तो सत्ता ही फिसल गई। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के आज परिणाम घोषित हो गए, जिसमें सुनक की पार्टी को 200 साल के इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। तो किस दल को मिली जीत, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन के सियासी संग्राम पर ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को ही मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए और लेबर पार्टी ने भारी बहुमत हासिल करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी को करारी मात दे दी है। अब तक सामने आए नतीजों के मुताबिक 650 में से 649 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 412 सीट लेबर पार्टी जीत चुकी है, जबकि 326 की बहुमत है। लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स ने स्टार्मर से मुलाकात की और उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। इस मुलाकात के बाद स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण दिया। समर्थकों की जय जयकार के बीच उन्होंने कहा कि चाहे आपने हमें वोट किया हो या नहीं, मेरी सरकार आप सबके लिए काम करेगी। वहीं ऋषि सुनक की पार्टी अब तक केवल 121 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। ऋषि सुनक अपनी सीट भी मुश्किल से बचा पाए। चुनाव परिणाम सामने आने पर ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी, साथ ही कीर स्टार्मर को जीत की बधाई दी और अब उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। सुनक ने कहा कि जल्दी ही वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ देंगे, लेकिन तुरंत नहीं। बता दें कि इस बार ब्रिटेन के चुनाव में अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा थी। विपक्ष कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाता रहा कि ब्रिटेन की जनता महंगाई की मार झेल रही है और ऋषि सुनक आम जनता के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और अब चुनाव में जनता ने सुनक के हाथ से कमान छीन ली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट जी आपके लिए आए, बस वेट कर रहे थे आपके लिए आए बस। मैं क्या कर रहा हूँ? चलो आराम से चलो। ध्यान से ले लो। आपके लिए चाहिए अरे कितनी खुशी, मैच देखा था।
अनन्या जी गुड मॉर्निंग। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।